नहीं लगता कि सत्ता में आने का मकसद मछली कारोबार से ज्यादा पैसा यहाँ सत्ता में है। लोग मोटरसाइकिल से सवार होते हैं और वो आने के बाद सीधा फॉर्चूनर में बैठ के निकल जाते हैं। क्या उन्हें इसीलिए रखा गया कि वो गाली गलौज या बदतमीजी दूसरे के साथ करें और आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें और आप उनका समर्थन करते हैं? सपा को आप 2022 चुनाव में विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का रहनुमा बता रहे थे और आज उसी को सपा को भाजपा से ज्यादा घातक और खतरनाक बता रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं शोएब कमर खान और आप देख रहे हैं BS Team UP। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल सरगर्मियों पर है और लोग अपनी काबिश जमाने के लिए, कुर्सी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक प्रत्याशी से हम मिलने के लिए पहुंचे हैं, खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और हम जानना चाहते हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, उनके साथ समर्थक कैसे हैं, उनकी भाषाएं कैसी हैं। आपका स्वागत है कलबेली गट्ठू साहब हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। जो मेरा आपसे पहला सवाल है, सवाल ये है कि सपा से टिकट कटने के बाद कल्बे अली गट्ठू का चुनावी माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा हुआ। इस टाइम जो चलत है अतीक अहमद वाला लेके, हमारे सारे मुसलमान नाराज हो चुके हैं, इसलिए कि मान सारा खेल अखिलेश का है। अखिलेश बाबू अगर सदन में ना कहते, ना उछलते बात, तो शायद अतीक अहमद के मर्डर नए हो। अच्छा, सबसे आज के तारीख में भाजपा और सपा में कोई फर्क नहीं है। तो मैं आपसे एक सवाल और कहूंगा कि जैसे जिस सपा को आप 2022 चुनाव में विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का रहनुमा बता रहे थे और आज उसी को सपा को भाजपा से ज्यादा घातक और खतरनाक बता रहे हैं, या तो आपका टिकट कटने के बाद आप ऐसा बता रहे हैं या पहले भी सपा ऐसी ही थी? तो अगर पहले सपा ऐसी थी तो आप झूठ क्यों बोल रहे थे पहले सपा से? पहले हमें जानकारी नहीं रहा, अभी जानकारी है कि सपा और भाजपा एक है और हम टिकट हम मंगवे नहीं किए ना हमें टिकट चाहते रहा। पब्लिक के मूड यहाँ से भाजपा से सपा से हट चुका रहा, इसलिए हम निर्दलीय उम्मीदवार बनकर आए हैं। कहते हैं कि सपा में जैसे खास तौर से बसपा ही बदनाम है टिकट बेचने में, लेकिन सपा टिकट बेचा है ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज के तारीख में सपा से सारे मुसलमान नाराज हैं। यानी आप सपा के टिकट के लाइन में नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, हम टिकट मांगे ही नहीं उनसे। अच्छा, तो आपसे मेरा एक सवाल ये कि आपके जो कार्यकर्ता हैं जी, वो मंच के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से एक संवैधानिक पद पे बैठे नगर प्रतिनिधि या पूर्व चेयरमैन को अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं है? क्या उन्हें इसीलिए रखा गया कि वो गाली गलौज या बदतमीजी दूसरे के साथ करें और आप अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें और आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, हमारा ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, ऐसा कोई भी समर्थन वाला नहीं है कि जो किसी और को गाली गलौज से बात करे या कोई भी आदमी का अपशब्द कहे, ऐसा हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। चलिए, इस बात को इस तरह से निकालते हैं, हालांकि मंच के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इनके कई कार्यकर्ता जो अप शब्द का प्रयोग करते हैं उनके साथ गलत हुआ है, तो उस अपने साथ जब गलत हुआ तो उसको अलग दिशा में उस बात को रखा जा सकता है। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके उस बात को रखना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है किसी भी लहजे से और हिसाब से। आपको एक सवाल, एक ये है पर्सनल सवाल थोड़ा सा जी, कि एक मछली व्यापारी को क्यों लगा कि सत्ता में आना चाहिए, हालांकि आपके पास एक व्यापार था, रोजगार था, अच्छा पैसा कमाते थे, सत्ता में आने का क्या मकसद है? सत्ता में आने का मकसद नहीं है, सत्ता में हमको कोई राजनीतिक से इतना लगाव नहीं है। हमारे पेशपड़वा में सबसे ज्यादा गरीबी है जी, सबसे ज्यादा। जब तक हम बिजनेस करते रहे तब तक हम लोगों के अभी तक भी सेवा करी थे, थोड़ा करत रहे हम सोचे अगर यही जगह बैठ जावा जाए तो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा कोशिश करा जाए करे के लिए, गरीबों का भला होगा, गरीबों के लिए हम परेशान हैं। जो हमारा विचार है कि जैसे तमाम लोग ऐसा है परेशान हालत में कि जिकरे पास बेचारे इनके ना रहा ठिकाना है ना खाए ठिकाना है, कम से कम हम यहाँ अगर रह गए और यहाँ हमें लोग बैठाई दिन तो उनके कम से कम हम सेवा कर सकते थे। अच्छा, कहीं ये नहीं लगता कि सत्ता में आने का मकसद मछली कारोबार से ज्यादा पैसा यहाँ सकता है? हम लोग मोटरसाइकिल से सवार होते हैं और वो आने के बाद सीधा फॉर्चूनर में बैठ के निकल जाते हैं। देखो, बिजनेस हमारे बम्बई में है जी, बिजनेस अगर नहीं करबे, 10 रुपया नहीं कमाबे तो हम लोगों का लाइक यहाँ बाटो कैसे, गरीब के भला हम कैसे करबे? और जब तक गरीब के भला नहीं करबे तो हमारा भला कैसे हुई? और यहाँ हमें अगर गरीब लोग मिलकर
चुनके अगर बैठाई दीन तो यहाँ बैठ के हम करबे। जो लोग कहा था कि भाग जी हैं, भाग जी हैं, ऐसा कोनो बात नहीं है। हमारे यहाँ 2.5 बीघा खेत, 2-2 घर, यहाँ की जन्मभूमि, यहाँ की पैदाइश। हम चाहते कि हम अपने गाँव रही, अपने देश में रहे। कोई भी आदमी जो जात है प्रदेश कमाए के लिए, तेकर हर एक उम्मीद लास्ट में बुढ़ापा में ये होते है कि चलो अपने गांव काटा जाइए। तो हमें बैठे के लिए कुछ हमारे लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। चलिए, अगर आप किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जनता तक आप वो मुद्दे कैसे पहुंचा पा रहे हैं, कैसे उन्हें विश्वास दिला पा रहे हैं कि आप उस मुद्दों पर खड़ा उतरेंगे? हम जो वादा करी थे वो का हम पूरा करी थे। अगला चुनाव जब हम लड़े रहे तो यहाँ पुरानी बाजार में इमाम बाड़ा है, एक सबका मालूम है। हम वादा कर रहे हैं कि जीतब या हारब इमाम बाड़ा हम बना के देवे। तो इंशाल्लाह हार एक दूसरे दिन इमाम बाड़ा काम चालू है। इमाम बाड़ा आज बनकर तैयार है, उगर मिसाल आज खड़ा है। कहते हैं कि उस इमाम बाड़े में कुछ चंदा भी किया गया है, पूर्ण रूप से आपकी पूरी संपत्ति नहीं लगाई गई है। हाँ, पूरी संपत्ति हमारी नहीं लगाई गई है, आपके बात बिल्कुल सही है। हमारा जो मुआहिदा था कि इसका छत लगाना है, इसकी सफाई कराना है, वो हमने सब करा के दे दिया था, जितना हमने वादा किया था। अभी जो मौजूदा वक्त चल रहा है, चुनाव के 4-5 दिन बाकी हैं जी, इस माहौल में आपको लग रहा है कि आप कितने ओर से बैकअप लेकर चल रहे हैं?